नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मीरा वर्मा और आपको सुना रही हूँ लेखिका आशा सिन्हा की लिखी एक कहानी, जिसका शीर्षक है एक सिंदूरी शाम। आज सुबह से ही माला जी का मन बहुत उदास था। आज तो उनका जन्मदिन भी है, माना कि इस उम्र में पहली वाली बात कहाँ से होगी। फिर भी दिल के किसी कोने में ये कामना छुपी रहती है कि कम से कम पति तो बाहों में लेकर जन्मदिन की बधाई देते, इतना तो हक बनता है पत्नी का। वो सवेरे ही हॉस्पिटल चले गया, जरूरी फोन आया था। बच्चों ने आधी रात को ही विश कर दिया था। आज माला जी को अपनी पोती और नाती की बहुत याद आ रही थी। बच्चे तो बहुत बुलाते हैं, पर अपने डॉक्टर पति को अकेले कैसे छोड़ती। तभी चंदा चाय लेकर आई, उसे भी चाय लेकर आने को बोली और लॉन में झूले पर बैठकर चाय पीने लगी। चंदा अपना काम करने लगी, पति को फोन लगाया तो उधर से आवाज आई कि मैं शाम में आऊंगा, तुम खाना खा लेना। मन और भी उदास हो गया, चंदा को रोक लिया। खाने के लिए पूछने पर कहा, तुम्हें जो पसंद हो वही बना और खा, मेरी तो इच्छा नहीं है कुछ भी खाने की। पर चंदा ने उन्हें खिलाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद गार्डन में टहलना शुरू कर दिया। शाम होने वाली थी। सूर्य की सुनहरी आभा ने सिंदूरी रंग की चादर हर जगह बिछाने शुरू कर दिए। प्रकृति की सुंदरता भी माला जी की उदासी दूर न कर सकी। तभी पोर्टिको में गाड़ी रुकने की आवाज आई, लगा कि डॉक्टर साहब आ गए। तभी बच्चों की आवाज आई, नानी माँ दादी माँ गूंज उठी। माला दौड़कर बाहर निकल पड़ी। सभी बच्चे, बेटा बहू बेटी दामाद और साथ में डॉक्टर साहब, सभी बच्चे माँ से लिपट गया। जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए छोड़ ही नहीं रहे थे। नाती पोती भी अपनी तोतली आवाज में प्याम कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे की धुन से घर गुलजार हो उठा। माला तो खुशी से अभिभूत हो उठी। इतनी खुशी, इतना सुख, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। पति के आंखों में अथाह प्रेम का सागर छलक रहा था। दोनों नन्हे मुन्ने को सीने से लगाए प्यार करते नागा रही थी। सिंदूरी शाम तो और भी सिंदूरी हो गई थी, मानो ईश्वर ने भी मुट्ठी भर सिंदूर बिखेर दिया हो। और कुछ सिंदूर माला के सुंदर चेहरे को और लाल कर गए जब पति ने बालों में गजरा लगाया। सिंदूरी शाम और भी खूबसूरत हो उठी। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मीरा वर्मा की आवाज में लेखिका आशा सिन्हा की कहानी। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।